हेलो गाइस, वेलकम टू टेकविला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनवा ऐप में इंस्टाग्राम रील्स कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, कैनवा ऐप में इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए पूरी वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कैनवा ऐप को। आप देखेंगे दोस्तों, आपको स्क्रीन में ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन दिया होता है वीडियो का। तो वीडियो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वीडियो वाले तो आपको कुछ वीडियोस यहाँ पे इंट्रो के दिए होते हैं, कुछ मोबाइल वीडियोस होते हैं। मोबाइल वीडियो मतलब आपका जो पोर्ट्रेट वीडियोस हैं, और लैंडस्केप वीडियोस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी एक वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वो वीडियो वहीं के वहीं प्ले हो जाता है और आपको दिख जाता है। तो आप इन वीडियोस को वहीं के वहीं देख के दोस्तों, पहले तो आप इसको पसंद कर लीजिए कि कौन सा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और ज़रूरत कौन सी वीडियो की, मतलब एडिटिंग आपको कौन सी वीडियो की करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी एक रील जैसे वीडियोस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मोबाइल वीडियो वाली कैटेगरी दी है, जिसके अंदर में आप सी ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल या पोर्ट्रेट मोड में या रील या शॉर्ट्स, ये सारी कैटेगरी जो है दोस्तों आपको इसी के अंदर में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ पहले से वीडियोस इसमें बने हुए दिखते हैं, उनको आपको प्ले करके आपको देख लेना है ना। और कुछ प्रो भी वर्ज़न होते हैं, कुछ आपके यहाँ पर फ्री वर्ज़न होते हैं। तो अगर आपको प्रो वर्ज़न में आपको पैसे वगैरह खर्च करके आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप प्रो वर्ज़न यूज़ करिए, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसमें आप अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको कोई भी एक वीडियो क्लिक कर लेना है ना। उस वीडियो को क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसका टेम्पलेट्स आपके फ़ोन में सेव हो जाए। आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले तो आपकी गैलरी ओपन कर देता है, जिसमें कि आप अलग अलग क्लिप्स में को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्लिप्स लगी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम इसको पहले बंद कर देते हैं, फिर दिखाता हूँ। तो ये एक क्लिप है जिसके अंदर में ये पीछे एक वीडियो लगा हुआ है, एक आगे टेक्स्ट चल रहा है ना, प्ले करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा एक वीडियो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये अलग अलग छोटी छोटी क्लिप्स हैं, इनको जोड़ के एक वीडियो क्रिएट किया गया है, और उसमें टेक्स्ट वगैरह भी चल रहा है। अगर इनको आपको जो है चेंज करना है ना, इसके अंदर में जो भी चीज़ें डली हुई हैं उनको आप जाते हैं कि क्लिप को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर उस क्लिप पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि यहाँ पे पीछे एक फोटो लगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे देखेंगे रिप्लेस का ऑप्शन आता है, रिप्लेस पे जैसे ही आएगा ऑप्शन तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। या गैलरी ओपन नहीं होती तो नीचे आपको फोटो वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। तो फोटो में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके इसी के अंदर में फोटोज डली हुई हैं वो आप वहाँ पे उनको भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है अपना गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खुद के मोबाइल में जो फोटोज डली हुई हैं उनमें से फोटोज़ को आप वहाँ से उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने फोटो उठा लिया, उठाने के बाद इसको जो है ये हमारा उस पर फिट हो जाता है दोस्तों। और ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा है, इसको आप ऊपर नीचे कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं उसको कर दीजिए और छोड़ दीजिए। इसी तरह सेकंड क्लिप में आइए, सेकंड क्लिप में भी पीछे का जो फोटो है उसको आपको नीचे जाके रिप्लेस कर लेना है, और टेक्स्ट को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर दो बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको लिखना है या चेंज करना है वो यहाँ से आप उसको एडिट कर दीजिए, या फिर जो भी हटाना है उसको हटा दीजिए, उसकी जगह जो लिखना है उसको लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। इसी तरह से सारी क्लिप्स का आपको कर लेना है और यहाँ पर इसको हो जाने दीजिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, ये तो आपके पूरा पार्ट हो गया, आपने एडिट कर लिया, फोटो चेंज कर लिया, फोटो की जगह वीडियो डालना था तो वीडियो डाल लिया। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको नीचे और ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी नीचे आपको और ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, एलिमेंट्स है। तो अगर आपको इसके अंदर में और कुछ ऐड करना है तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पीछे की बैकग्राउंड की कोई म्यूज़िक है उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, ऊपर म्यूज़िक वाला ऑप्शन है, म्यूज़िक पर क्लिक करिए और उसकी जगह दूसरी म्यूज़िक यहाँ पर डाल लीजिए। अगर डालना है तो आपको यहाँ से आप वो म्यूज़िक, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो है नीचे म्यूज़िक डली है वो म्यूज़िक आपको हटा के अपनी म्यूज़िक डालना है, तो यहाँ पे आप एक तो ये कर सकते हैं कि नीचे जो म्यूज़िक डली है उस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद में रिप्लेस वाला ऑप्शन आता है तो रिप्लेस में जाइए और अपलोड फाइल पर क्लिक करिए और डायरेक्ट यहाँ से जो है म्यूज़िक उठा लीजिए। या फिर आपको अगर ये म्यूज़िक नीचे नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई म्यूज़िक नहीं डली है, अब आपको यहाँ पे एक म्यूज़िक ऐड करना है नीचे बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो यहाँ आपको क्या करना है, वैसे तो यहाँ पे म्यूज़िक वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप लाइब्रेरी से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको खुद की म्यूज़िक डालना है तो आपको क्या है, नीचे अपलोड वाला बटन, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर ऑडियो पर जाना है, ऑडियो पर जाने के बाद में अपलोड फाइल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ऑडियो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर आपकी खुद की मोबाइल की जो भी आपको म्यूज़िक डालनी है उस पर क्लिक करके आपको जो है ओके पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपकी फ़ाइल जो है अपलोड हो जाएगी पहले, और अपलोड होने के बाद में आपके एडिटर में आपको वहाँ दिखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे ही आपकी अपलोड हो जाएगी फाइल आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी, आपने जो फाइल वहाँ पे डाली है तो आपकी ऑडियो फाइल आपको यहाँ नीचे आ गई है। अब आप इसको यहाँ से खिसका बढ़ा भी सकते हैं, 20 से अगर आपको कट करना है फाइल को तो आपको 20 से उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में हम उसको वहाँ से स्प्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने स्प्रेड कर दिया म्यूज़िक को, है ना, आपको इसको फाइल को हटाना है या दूसरी ऑडियो डालना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से दोस्तों। तो सारा कुछ आपने दोस्तों यहाँ पे कर लिया है इसमें, है ना, ये आपका जो है रील वाला पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको और भी दूसरे रील्स क्रिएट करना है
यहाँ पे नीचे देख सकते हैं डिज़ाइन वाला फॉर्मेट दिया है ना। वो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे जब बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी तब यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके सिंपली बैकग्राउंड को चेंज करिए, टेक्स्ट को चेंज करिए, और करने के बाद में गाना वगैरह नीचे एक्स्ट्रा अपना डालिए, और डालने के बाद में ऊपर जो है आपका साउंड का बटन है मतलब अपलोड का बटन, उस पर क्लिक करिए और डाउनलोड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये फॉर्मेट है और बस आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये वीडियो जाके डाउनलोड हो जाएगा आपकी गैलरी में।